कैसे हैं आप साहब? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखें, से प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी हो, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्या इनका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है? अगर होता है तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्या कोई इसका स्पेशल नाम भी है? आज हम यही डिस्कस करेंगे। माय नेम इज मोहित रुजा फ्रॉम स्नैप सॉल्व। आगे चलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्या इनकी डायरेक्शन सेम होती है? प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया है, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट से पहले मैं पता होना चाहिए डायपोल क्या होता है और डायपोल क्या होता है, अभी हम यही डिस्कस करेंगे। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब हम रखते हैं, ठीक है, एंड दे आर केप्ट एट वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो वो जो अरेंजमेंट होती है दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड डायपोल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, राइट, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं एंड दे बोथ आर जॉइंड विद द डॉटेड लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डायपोल। और इनके बीच में लेट सपोज मैं डिस्टेंस ले रहा हूं 2a। सो 2a मैंने क्यों लिया है, जब अभी हम डेरिवेशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन इजियर हमने यहाँ पे 2a लेके चला है, अदरवाइज इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। आप चाहते तो आप d या a या r भी ले सकते थे। तो व्हाट इज डायपोल? फाइनली डायपोल मीन्स दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which are separated by some small distance, that is called dipole। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आती है कि सर क्या टोटल चार्ज जीरो होगा? कि अगर ये भी डिपेंड करता है, अगर मैं सिर्फ ये फेस लेके चलता हूं तो सिर्फ इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए चार्ज कितना है? माइनस क्यू। अगर मैं ये पूरा सिस्टम लेकर चल रहा हूं तो इस पूरे सिस्टम में, पूरे इस क्लोज्ड सरफेस में, अगर हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज लगाते हैं जो हमें लगाना है, क्योंकि हम तो डायपोल की बात कर रहे हैं और डायपोल जब लेंगे तो हम पूरा सिस्टम लेके चलेंगे, तो पूरे सिस्टम के अंदर ड्यू टू द एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्या था एडिटिविटी ऑफ चार्ज? कि हम चार्जेस को स्केलरली एड करते हैं टेकिंग द प्लस एंड माइनस साइन इन टू अकाउंट। तो अगर हम यहां पे एड करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस क्यू प्लस क्यू विच इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब टोटल चार्ज क्या आ रहा है? जीरो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर टोटल चार्ज तो जीरो है, इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा? नो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, उसी को मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा विद द स्मॉल डेरिवेशन। ओके, अब इसमें मैंने एक टर्म यूज की थी स्टार्टिंग में, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है? डायपोल तो चलो हमें समझ में आ गया कि एक अरेंजमेंट है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर इस डायपोल की स्ट्रेंथ अगर मुझे निकालनी है, हाउ टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल? ये स्ट्रेंथ हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट, जिसे हम जनरली पी, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं विद वेक्टर साइन। तो स्मॉल पी जो है डायपोल मोमेंट, इसे फाइंड आउट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज चार्ज। चार्ज आप कोई भी ले सकते हैं बिकॉज दोनों इक्वल है, बट साइन का डिफरेंस है, बट हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है, इन टू द डिस्टेंस बिटवीन देम विद वेक्टर साइन। तो जो p वेक्टर है दैट इज q इनटू 2a वेक्टर। तो जो डायपोल मोमेंट, मैं अब कह रहा हूं कि वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो माइनस से प्लस q की तरफ अगर आप देखेंगे, p वेक्टर की डायरेक्शन है। ओके, तो अगेन इसके पीछे भी कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बाय कन्वेंशन वी टेक इट एज फ्रॉम नेगेटिव q टू पॉजिटिव q। ओके, सो डायपोल मोमेंट निकालने के बाद अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। इनके भी वेरियस केसेस हैं, लेकिन आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आज हम क्या लेंगे, आज हम एक डायपोल लेंगे, एक अरेंजमेंट लेंगे, और एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू डायपोल। ओके, तो अगर हम लेट सपोज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू अगेन डायपोल अरेंजमेंट लेकर चलते हैं, एंड इनकेस इफ दे आस्क यू टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द डायपोल एंड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल,
तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी. नाउ लेट्स सपोज इट्स माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. तो ये हम अरेंजमेंट लेके चल रहे हैं, इसे हम नाम देते हैं ए और इसे हमने क्या नाम दिया, बी. और लेट्स सपोज इसके बीच में डिस्टेंस है 2a. सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल. तो सेंटर है इसका मतलब डिस्टेंस क्या लेंगे, हाफ. तो ये a है और ये भी क्या होगा, a. अब मैंने क्या बताया कि हमने पॉइंट कहां पे लिया हुआ है, ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल. तो इस p पॉइंट पर हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और इस पर हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे, जिसका डिस्टेंस P पॉइंट का डिस्टेंस C से जो है दैट इज R, लेट सपोज. ठीक है, तो इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने से पहले हम इंडिविजुअली इन दोनों चार्जेस के लिए फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले B लेकर चलते हैं, प्लस Q चार्ज है, प्लस Q है तो ये कहां जाएगा, आउटवर्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B. EPB का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B. कहां जाएगा रेडियली, आउटवर्ड, बिकॉज पॉजिटिव साइन है. माइनस क्यू है तो यहां पर माइनस के लिए क्या लेते हैं हम, इनवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A. ये स्टेप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहां पे के क्या था, 1/4 pi epsilon naught. तो मैं इसे k की टर्म्स में ही रखता हूं, ठीक है. बट आप एग्जाम में k की वैल्यू स्पेसिफाई कर देना कि 1/4 pi epsilon naught, एंड देन फिर आगे प्रोसीड करना. तो k एंड q हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं विदाउट माइनस एंड प्लस साइन. तो q अपॉन r, r मतलब डिस्टेंस b का p से, तो मैं यहां पे pb स्क्वायर लिखता हूं, ठीक है. तो यहां पर k q PB कितना होगा, R माइनस A, बिकॉज ये कितना है, R, ये कितना है, A. ये क्या आ जाएगा, R माइनस A होल स्क्वायर विद यूनिट. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, ये आ जाएगा K Q अपॉन PA. तो यहां पर आ जाएगा PA होल स्क्वायर. सो K Q PA कितना होगा, R प्लस A होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम. ये निकालने के बाद अगर आप देखें के क्यू यानी न्यूमरेटर पार्ट तो सेम है, डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे ये आर माइनस ए है, ये आर प्लस ए है. तो आर माइनस ए का मतलब ये कम है एज कंपेयर टू आर प्लस ए. ये वैल्यू कम है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी दैट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए. ऐसा मैंने क्यों बताया, क्योंकि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि जब भी टू वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उन्हें माइनस करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थीटा बिकम्स 180 डिग्री. एंड जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था जो हमने 11th में किया था, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा हम क्या ले रहे हैं, 180. cos 180 minus 1, so a square plus b square minus 2ab, which is a minus b. इसलिए हमने यहां पर EPB minus EPA लिखा. अब EPB कितना है, KQ upon R minus A whole square minus EPA is KQ upon R plus A whole square. तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, के क्यू बाहर लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, 1 upon R minus A whole square minus 1 upon R plus A whole square. तो यहां से जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेकर नीचे आ जाएगा R माइनस ए इंटू आर प्लस ए, विच इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिकॉज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में पावर भी है तो स्क्वायर. फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो R प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस R माइनस ए स्क्वायर इंटू 1. तो जब हम इसे ओपन करेंगे, के क्यू इसे आप बाहर लिख लो, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और अंदर क्या आ जाएगा, इसे ओपन करेंगे
तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, और यहां पर विद माइनस साइन क्योंकि मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर जस्ट कैंसल्ड, तो ये क्या आ जाएगा के क्यू टू ए आर प्लस टू ए आर क्या होता है फोर ए आर, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं टू इंटू टू ए इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब q इंटू टू ए अभी हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये क्या होता है p डायपोल मोमेंट, तो ये क्या आ जाएगा टू के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर विद यूनिट न्यूटन पर कूलम। अब आपको एक चीज मैं बताऊं, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टू ए लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस, टू ए लेने से देखो हमें फायदा हो गया ना, ए और ए ले लिया, देखो कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो गई, दिस वॉज द रीजन वाई आई टुक द डिस्टेंस इज टू ए। तो यहां से 2k pr upon r square minus a square whole square, ये जनरल फार्मूला है, अगर हमें किसी भी पॉइंट पर जो कि इस डायपोल की एक्सिस पर लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। मैंने एक टर्म और यूज की थी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल या आइडियल डायपोल एक ही बात है, इसे कई बार हम पॉइंट डायपोल भी कहते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट पॉइंट डायपोल या शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या होगा कि अगर हम इन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम करते जाए, डिस्टेंस कम करते जाओगे तो क्या होगा, जब डिस्टेंस कम करेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी। डिस्टेंस कम करने से यानी कि व्हेन आर इज टेकन वेरी मच ग्रेटर देन 2a, तो आर डिस्टेंस यानी कि जो हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, जहां पर हमने पॉइंट रखा हुआ था, सेंटर से डिस्टेंस आर था, पॉइंट हमने काफी दूर ले लिया यानी आर हमारा काफी इंक्रीज हो गया, आर इंक्रीज हो गया यानी ऑटोमेटिकली 2a कम हो गया। अब देखो मैंने इस एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, अब मैं यहां पे कोई डिस्टेंस कम नहीं कर रहा हूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा रहा हूं, गेटिंग माय पॉइंट, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे हमने डिस्टेंस कम नहीं किया, हमने आर बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली 2a कम हो गया। डायपोल तो वही है, माइनस क्यू प्लस क्यू फिक्स्ड है, 2a डिस्टेंस फिक्स्ड है, हम सिर्फ अपना जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हम इस आर को इंक्रीज कर रहे हैं, आर इंक्रीज करने से ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस कम हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, इस हम ए को इग्नोर कर देंगे, ये आ जाएगा 2 के पी आर अपॉन आर टू द पावर 4 विच इज 2 के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालें तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि जब भी हम कोई डायपोल लें और पॉइंट एक्सियल लाइन पे लें तो बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड वेक्टर एडिशन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज विच इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, इन पेयर चार्ज है, टोटल चार्ज जीरो था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्या इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी जीरो होगी, मैंने कहा था नहीं, क्यों नहीं होगी, अब आप देख सकते हैं इनकी अपनी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है डायपोल की, राइट, और वो हमने फाइंड आउट की। स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट क्या इनकी सेम डायरेक्शन होती है, तो मैंने क्या कहा था, नो बिल्कुल भी नहीं, जैसे मैंने बीच में बताया है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायपोल की सेम डायरेक्शन होती है, ना, तो आंसर इज नो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जब हम पॉजिटिव चार्ज लेते थे तो पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड थी, है ना। अगर हम इस केस की बात करें, ईपीबी इज ग्रेटर देन ईपीए, EPB is greater than EPA. इसका मतलब जो net electric field strength है वो कहाँ जाएगी? EPB की तरफ, because this is greater than this. मानो ये 5 है, ये 2 है. 5 minus 2, 3. So 3 कहाँ जाएगा? Towards this side. Dipole moment देखो minus से plus की तरफ, right? P vector. तो अगर हम axial case discuss कर रहे हैं, सिर्फ axial के लिए, axial के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट, एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप को एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।